सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। तुम घर की चीजें बदलते थे और अब पति बदलना चाहती हो? मुझे नहीं लगता कि अपनी जिंदगी का मजा मैं तुम्हारे साथ ले पाऊंगी। तो ठीक, हमें तलाक देकर छुटकारा पा लो। काश न्या, अगर तुम सच में पति बदलना चाहती हो ठीक है, हम तुम्हें तलाक दे रहे थे। मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारी जान ले लो। ये कैसे कर रहे हो सब? ठीक से लगाओ ना पर्दे। पुरी बाबा, नया पर्दा? अभी एक महीना पहले ही सब पर्दा चेंज किए थे ना हमने। मैं तो देख देख कर बोर हो चुकी हूँ, और तुम हो कि ये कह रहे हो कि अभी एक ही महीने हुए हैं पर्दे बदल कर। और वैसे भी मैंने पेंटिंग वाले से बात की थी, उसने कहा कि 15 दिन बाद पेंटिंग करेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना पर्दे चेंज करवा दूं। पर क्यों, क्या जरूरत है नया, इन सब की क्या जरूरत है? हर 6 महीने में कोई अपने घर में पेंट करवाता है क्या? मुझे कराना है, मैं देख देख कर बोर हो चुकी हूँ। ये एक जैसा कलर, ये एक जैसी चीजें, सब कुछ। और वैसे भी तुम्हें घर पर नहीं रहना होता, मुझे घर पर रहना होता है। सोती गोता, हम कहाँ रहते हैं घर में है? तुम्हारा यही आदत, हम एकदम तंग आ गए। कभी डाइनिंग टेबल बदल दो, कभी डाइनिंग सेट बदल दो, तो कभी सोफा, तो कभी ये जुबान, बस बदलते रहो। एक दिन तुम हमको भी बदल देना, माथा उठा घूम गया है। काश। माधवेंद्र, हमको बहुत कमाल का बीवी मिला है। एक तो हम घर में रहता नहीं है, और दूसरा हमारा बीवी हमेशा घर में कुछ ना कुछ बदलती रहती। अब पत्नी को घर वाली तो इसीलिए कहा जाता है ना, अब वो घर वाली है तो घर को चाहे जैसे रखे। सत्य बोला तुम। अभी शॉपिंग ले गई थी, बेडशीट, पिलो कवर, हमको मालूम नहीं क्या क्या शॉपिंग किया। वो कुछ लो, आ गई हमारी बीवी नेहा। अरे नेहा, आज तुम शॉपिंग से जल्दी आ गई थी। अरे कहाँ शॉपिंग, आप तो जानती ही हैं अपनी पसंद की चीज जल्दी से मिलती कहाँ है। अरे यार तुम, ओ अरे अरे हाँ, इसे मिलो, ये हमारा बहुत पुराना दोस्त माधवेंद्र। अभी इससे हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे डाली। नमस्कार भाभी जी, आप ही की तारीफ कर रहे थे, और मैं इनको समझा रहा था कि परिवर्तन संसार का नियम है, और परिवर्तन तो होनी ही चाहिए। सत्य बोला तुम, परिवर्तन संसार का जरूरी नियम है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता कभी चेंज नहीं होता। हमारा पत्नी नेहा भी अपना पति को तो कभी नहीं बदलेगा। अच्छा आप संभालिए अपने आप को, अब चलिए जल्दी से, वो जो नया रेस्टोरेंट खुला है वहां से खाना मंगवाया है। अरे यार फिर से डिफरेंट टेस्ट। अब आप ही कुछ समझाइए, कुछ नया तो होना चाहिए ना। बिल्कुल भाभी जी, जिंदगी में हर कदम पर कुछ नयापन तो होनी चाहिए, वरना जिंदगी कितनी युवा हो जाएगी। अरे आप लोग आइए। अरे माधवेंद्र, तुम भी खाना जरूर खाकर जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ, निकलता हूँ, आप खाना खाइए, डिफरेंट टेस्ट का मजा लीजिए। अरे यार तुम हमको आज तक बताएंगे कि तुम करता क्या? फिर कभी बता दूंगा, आपका खाना ठंडा हो रहा होगा। चलता हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। घर
खाना सत्ती एकदम टेस्टी था। ये स्लीपर ट्राई करके देखिए ना, घर में पहनने के लिए लिए हैं। दो दो स्लीपर कैनो? अरे एक पर एक फ्री मिल रहे थे तो ले लिए। वैसे भी स्लीपर 6 महीने या 1 साल के लिए होते हैं, लेकिन पति पति के साथ तो पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। तो क्या पति भी एक पर एक फ्री होना चाहिए? काश। गुड, एकदम कंफर्टेबल है। अच्छा आज हम प्यार करने का कोई नया तरीका ट्राई करते हैं, ठीक वैसे जैसे मैं पहली बार दुल्हन बनकर आई थी। नहीं 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 आज नहीं, आज हम बहुत थक गए। तुम्हारा ये आइडिया किसी और दिन ट्राई करेंगे, आज हमको सोने दो प्लीज। हाँ प्लीज। गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं, रात किधर चली गई? नेहा 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 तुम इधर बैठी हो है? मैं कब से इधर तुम्हें ढूंढते हुए परेशान। अरे बाबा बच गया, बाबा बच गया। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, तुम मेरी मर्जी के बगैर मर कैसे सकते हो? तुमने ड्रिंक किया है? हाँ। नींद नहीं आ रही थी तो क्या करती? ठीक है चलो चलो भीतर चलो चलो उठो। मिस्टर घोषाल ये कुछ कागजात हैं जो अदालत से आए हैं, आप एक बार इन्हें देख लीजिएगा। जी जी श्योर। अरे रमाकांत जी हम आपसे पहले ही बोले थे हमारा बेटा कनाडा में सेटल हो गया है, उसको हमारा प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं है। अरे बाबा उसको कोई आपत्ति नहीं होगा। मिस्टर घोषाल जैसे आपने कहा था विल वैसे ही बन चुकी है। देखिए रमाकांत जी अभी हमारे लिए सिर्फ हमारी पत्नी नेहा है और उसके लिए हम बस। जैक थैंक यू। कप भी कितना खूबसूरत है, डिजाइनर कप लगता है। अब क्या बोलेंगे वकील साहब, ये नेहा हर समय कुछ न कुछ बदलता रहता है। ये चा का कप भी हमारा घर में 1 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा, बस ये बदल दो वो बदल दो। ऊपर लाई कि चांदनी रात देखो किधर है चांद, हमको तो लगता है कि आज अमावस की रात। चांदनी रात नहीं सही, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ।
तुम्हारी चांदनी। ये तो है। आज मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मुझे लगता है जिंदगी बड़ी ही नीरस और उबाऊ होती जा रही है। ऐसे में क्या पति नहीं बदला जा सकता? दारी, पहले तुम घर की चीजें बदलते थे और अब पति बदलना चाहती हो? हाँ, क्योंकि जिंदगी बहुत हसीन है, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो। मुझे नहीं लगता कि अपनी जिंदगी का मजा मैं तुम्हारे साथ ले पाऊंगी। अगर सच में तुम पति बदलना चाहती है तो ठीक, हमें तलाक देकर छुटकारा पा लो। अगर तुम सच में पति बदलना चाहती हो, ठीक है, हम तुम्हें तलाक दे देते। तुम मुझे तलाक दोगे? मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारी जान ले लो। नेहा, किसी का जान लेना इतना आसान नहीं होता है नेहा। और फिर तुम हमको मारोगी क्यों डाले? क्योंकि मैं तुमसे बोर हो चुकी हूँ, ऊब चुकी हूँ, और अब मरो। पति बदलना चाहती थी, इसलिए उसने ये कदम उठाया। सुनने में बड़ी हैरानी हो रही है ना, लेकिन यही सच है। इसलिए आज इसे हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, वो एक चीज के साथ लंबे समय तक नहीं रह सकते, बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। उन्हें हर चीज में एक नएपन की तलाश होती है, हर वक्त उन्हें बदलाव चाहिए। क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक पत्नी अपने पति को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दे क्योंकि बदलाव उसके स्वभाव में है, वो बदलाव पसंद करती है? अपराध के न जाने कितने रंग हमने देखे और सुने हैं, लेकिन अपराध का ये रंग अलग ही है। नेहा की ये भूख और चाह उसे कहां तक ले जाएगी, उसके और कितने शिकार होंगे, आइए देखते हैं। ये क्या हो गया? उठिए, कोई है? हेल्प प्लीज, मेरी मदद कीजिए। ये गिरा कैसे मैडम? पता नहीं, ये टेरेस पे ड्रिंक करने गए थे। मैं किचन में खाना बना रही थी, अचानक चीखने की आवाज सुनाई दी तो दौड़कर बाहर आके देखा तो ये यहाँ पर गिर गए थे। उठिए। अरे ये क्या हो गया इनको? डॉक्टर जोसेफ, ये पता नहीं कैसे गिर गए। आप प्लीज एम्बुलेंस को फोन कीजिए ना, मेरा फोन भी अंदर है। ये नहीं रहे, अब एम्बुलेंस को नहीं पुलिस को बुलाने की जरूरत है। नहीं, नहीं। सर, टेरिस पर मिस्टर शांतन घोषाल के ही स्लीपर के निशान मिले हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो टेरिस पर अकेले ही घूम रहे थे और नशे की हालत में ही उनकी फिसल कर मौत हुई। ओ, मुझे भी यही लग रहा था। मैंने भी उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की कि वो ड्रिंक कम करें, क्योंकि
उम्र के साथ पीना और पचाना मुश्किल होता है। यू आर राइट। हवलदार, लाश का पंचनामा बनाओ और जाओ पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। हेलो इंस्पेक्टर, आपको क्या लगता है इनकी मौत? आप कौन? मेरा नाम माधवेंद्र सिंह है, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाता हूँ। आप एक डिटेक्टिव हैं, तो आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं। वैसे आप अपने नजर और नजरिए से देख सकते हैं ये मामला क्या है। हमारी छानबीन में मामला बिल्कुल साफ है, ये एक दुर्घटना है। नशे की हालत में टेरिस से गिरने से शांतनु की मौत हुई है। आप आइए मेरे साथ। आइए। शांतनु घोषाल की प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। और डॉक्टर जोसेफ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत साथ दिया है हमारा। ये तो अच्छा हुआ कि मरने से पहले उन्होंने सारी प्रॉपर्टी की विल बना दी थी। मैं क्या करूंगी इस प्रॉपर्टी का जब जिंदगी वीरान होगी, कैसे कटेगी लंबी जिंदगी, किसके सहारे जी सकूंगी अब। कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह तुम मेरी जिंदगी में आओगी और हम दोनों पूरी उम्र के लिए एक हो जाएंगे। सोचा तो मैंने भी नहीं था। भूल जाओ गुजरे हुए कल को, क्योंकि आने वाला कल हमारा है। अब तुम मिसेस जोसेफ हो। लाइट्स क्यों ऑफ कर दी? मुझे अंधेरे में अच्छा नहीं लगता। तो तुम्हें उजाले में प्यार करने की आदत है? हेलो। चलो मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे? वैसे मुझे कुछ बोलना था। क्या? कि किचन थोड़ा पुराना नहीं लग रहा है? मैं सोच रही थी ना कि क्यों ना हम इसे रेनोवेट करवा लें, और वैसे भी वहां खड़े होकर नाश्ता बनाने का कोई मन नहीं है मेरा। देखो ये घर अब तुम्हारा है, अब इसे जैसे चाहिए रखो, जैसे संभालना संभालो, ठीक है? मुझे लेट हो रही है, मैं डिस्पेंसरी जा रहा हूँ। नहीं नाश्ता तो कर लो पहले। नहीं मैं नाश्ता भी नहीं कर सकता, दरअसल क्लिनिक से फोन आया था, कोई इमरजेंसी केस आया, मुझे जाना होगा। ओके ओके। अच्छा एक काम करो, शाम को तुम डिस्पेंसरी आ जाओ, फिर हम दोनों वहां से कहीं चलते हैं। नॉट बैड। ओके बाय बाय। अच्छा मैं क्लिनिक तो आ रही हूँ, लेकिन वहां से हम कहीं और नहीं बल्कि सीधे इंटीरियर डिजाइनर के वहां जा रहे हैं। मैंने बताया था ना कि किचन का इंटीरियर चेंज करवाना है। ओके। नमस्कार भाभी जी। हाँ हाँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी।
और वो जरूरी बात दरअसल शांतनु घोषाल के बारे में करनी थी। ठीक है, अंदर आइए। अब वैसे भी क्या रह गया है उनके बारे में बात करने के लिए? भाभी जी, आपने किसी के घर में एक ही डिजाइन के दो स्लीपर देखे हैं क्या? मैंने देखा है, जरूर आपने ही खरीदी होगी वो। आप किस स्लीपर की बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। लेकिन मैं सब समझ चुका हूँ और अब आपको समझाता हूँ। मुझे पुलिस रिकॉर्ड से यही पता चला कि लाश के पैरों में यही स्लीपर था। और पुलिस को टेरेस पर सिर्फ इसी स्लीपर के निशान मिले, जिसके आधार पर पुलिस ने यह मान लिया कि उनके अलावा कोई टेरेस पर गया ही नहीं। लेकिन ठीक एक ऐसा ही स्लीपर मैंने आपके घर में देखा। अब आप ही बताइए भाभी जी, एक ही आदमी एक ही वक्त पर एक ही डिजाइन के दो दो स्लीपर क्यों इस्तेमाल करेगा? मुझे लगता है कि पुलिस को धोखे में डालने के लिए कोई और था जो इस स्लीपर का इस्तेमाल किया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हर इंसान अपने शूज या स्लीपर खुद खरीदने जाता है, और वैसे भी वो अपना सारा सामान खुद ही खरीदते थे, तो वो घर में एक जैसे दो स्लीपर क्यों खरीद के लाएंगे? आपको आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। यही बकवास करने आए थे आप यहाँ? बहुत तेज हैं आप तो। घोषाल साहब की प्रॉपर्टी क्या आपके नाम ट्रांसफर हुआ कि आपने सारी प्रॉपर्टी को बेच करके मिसेज जोसेफ बन गए? जी हाँ, क्योंकि जिंदगी गुजारने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए, और बेहतर होगा कि आप मेरी जिंदगी में दखल ना दें। हाँ, शायद आने में देर कर दी मैं, पता नहीं अब वो स्लीपर मिलेगा भी या नहीं, है ना? आप जा सकते हैं। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम्हें मेरी तबीयत से क्या, और मुझे लगता है कि अब तुम भी मुझसे दूर जाने लगे हो। ओहो, आजकल ये तुम कैसी अनाप शनाप बातें करने लगी हो? तुम भी तो मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते हो। प्यार करने का वक्त ही कहाँ मिलता है, रोज 20 किलोमीटर ड्राइव करके जाना पड़ता है और वापस आना पड़ता है, क्योंकि तुम उस पुराने घर में रहना नहीं चाहती। तुम्हें पता है कितनी थकान हो जाती, और आज तो तुमने वो गाड़ी को भी जो तुमने गैराज में भेजी, पता नहीं तुम उस कार में क्या बदलाव करना चाहती हो। क्यों, एक दो दिन गाड़ी के बिना नहीं रह सकते तुम? हाँ रह लूंगा, अब जाओ और तुम जाके खाने लगाओ। मैंने कोई खाना वाना नहीं बनाया है, मंगवा लो किसी होटल से। उफ, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं। रोज रोज एक ही टाइप का खाना खाकर मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, पता नहीं तुम्हें वही क्यों पसंद है। ठीक है, मैं खाना मंगवा लेता हूँ। सो जाओ। यहां क्या करने आई हो? तुम्हें मारने आई हूं। मारने मुझे? हाँ, 6 महीनों में ही तुमसे बोर हो चुकी हूं मैं, फेड अप हो चुकी हूं तुमसे, और अब
तुम मरो। आप मिसेस जोसेफ है जी? दरअसल आपके पति के बारे में जी, वो एक्चुअली किसी पेशेंट को देखने के लिए गए हुए हैं और अब तक नहीं लौटे हैं। मैं उन्हीं के बारे में बताने आया हूँ, आपको हमारे साथ चलना होगा। क्यों, क्या हुआ है? दरअसल उनके साथ एक हादसा हो गया है। क्या हादसा? मैडम संभालिए अपने आप को। कैसा हादसा, क्या हुआ है उन्हें? वो ठीक तो है ना? मुझे ले चलिएगा, मुझे ले चलिए। उन्होंने गाड़ी भी गैराज में भेज दी थी। रात में अचानक किसी पेशेंट को देखने जाना पड़ा उन्हें। रोड क्रॉस कर रहे थे अंधेरे में और किसी गाड़ी ने उन्हें कुचल कर मार डाला। तकदीर का खेल है, बस तकदीर ही जाने। आपको हिम्मत से काम लेना होगा। मैं इस घर में अपनी बदनसीबी पर घुट घुट कर मरना नहीं चाहती। आप एक काम कीजिए, इस घर को बिकवा दीजिए। मैं इस घर में और नहीं रह पाऊंगी। ठीक है आप फिक्र मत कीजिए, मैं बात करता हूँ, मैं चलता हूँ। जी अगला शिकार कौन, अगला मोहरा कौन, यही तो सवाल उठता है। रिश्ता तो वो बड़े प्यार से जोड़ती, लेकिन कुछ ही दिनों में जैसे उन रिश्तों की चमक फीकी पड़ने लगती, वो उससे इस कदर उकता जाती कि वो उसे इस दुनिया से ही उठा लेती। और उसकी इन शातिराना चालों को कोई नहीं समझ पाता। कितने रूप बदले उस औरत ने। अब सवाल ये भी उठता है कि नेहा जो कुछ भी कर रही थी, क्या वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी या अनजाने में, या अपने पति की जायदाद के लालच में? वो पति को खत्म कर रही थी ताकि उसके पति की सारी जायदाद उसी की होकर रहे, या इसके पीछे कोई और वजह थी? आखिर सच क्या था, आइए देखते हैं। तुम्हारे आने से मेरे घर का ही नहीं, मेरी जिंदगी का खालीपन एकदम दूर हो गया। खालीपन तो मेरी जिंदगी में था, जो तुम्हारे आते ही भर गया। मैं इसे कैसे भूल सकती? अब यूं समझ लो कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। आज से तुम नेहा नहीं, रश्मि तिवारी हो। तुम्हारा नाम रश्मि तिवारी। नाम से क्या होता है, तुम चाहे जो भी नाम दे दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बस तुम्हारा प्यार चाहिए। इसे मुझसे कभी मत छीनना, कभी मत कम होने देना। कभी नहीं होगा, कभी नहीं। हेमचंद तिवारी जी। हाय चिमन भाई, बस बढ़िया, आप कैसे हैं? आज कोर्ट बंद था लेकिन आपसे मिलना बहुत जरूरी था। ये एक मिनट, रश्मि एक चाय लाना। हाय कम बैठिए। बताइए चिमन भाई, कैसे आना हुआ, कोई कानूनी मसला? हाँ मसला तो कानूनी है, मुझे अपनी पत्नी माधवी से तलाक चाहिए। क्या तलाक? हाँ तलाक, वो अब मेरी वफादार नहीं रही, इसलिए अब मैं उसके साथ नहीं रह सकता। ये मेरी वाइफ है रश्मि तिवारी। रश्मि ये चिमन भाई। नमस्कार जी। नमस्ते। अच्छा किया जो आपने शादी कर ली,
अब जिंदगी के लम्हे अकेले कटते भी तो नहीं है, साथी की जरूरत तो रहती ही है। सही कहा चमन भाई, अब यूं समझिए कि अब तक कोई मिला नहीं था, अब ये मिल गई है तो खुशियां ही आबाद हो गई। ये कुछ सबूत हैं जिनसे ये साबित होता है कि माधवी आजकल किसी और के साथ इश्क लड़ाने में लगी है। इन सबूतों के आधार पर मुझे जल्दी तलाक तो मिल जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, चिंता मत कीजिए चमन भाई, मैं कल ही अर्जी दे दूंगा। मुझे लगता है 2-3 पेशियों में तलाक की मंजूरी मिल जानी चाहिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। रश्मि प्लीज जाके सो जाओ, मुझे परेशान मत करो, बहुत काम करना है मुझे, जाओ प्लीज। मुबारक हो चमन भाई, अदालत ने तलाक को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, थैंक यू जी। अरे फीस की क्या बात है, जो भी भेजना होगा भेज दीजिएगा। जी हाँ, ओके जी, बाय। रश्मि पानी दे रहे हैं ग्लास। ग्लास क्यों तोड़ दिया? एक शीशे के टूटने पर इतना दुख, और वैसे भी इस कांच को तो एक ना एक दिन टूटना ही था। पुराना जो हो गया था, पुराना टूटेगा नहीं तो नया आएगा कैसे? रश्मि तुम्हारी बात को समझना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसका मतलब यह है कि ग्लास के नए सेट लेके आने पड़ेंगे। नहीं अरे आप दोनों यहाँ एक साथ? हाँ, क्योंकि अब ये नेहा नहीं मिसेज रश्मि तिवारी है। अच्छा, मैंने आपको ढूंढने की कोशिश तो की लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आप रश्मि तिवारी बनके वकील साहब के घर पे आ चुकी है। खैर, ये लिफाफा और आपकी फीस चिमन भाई ने भेजा है। थैंक यू सो मच। बाय द वे, आप चिमन भाई को कैसे जानते हैं? मैं एक डिटेक्टिव हूँ और जो भी चाहे मेरी सेवा ले सकता है। उनकी पत्नी माधवी का अफेयर किसी और के साथ है, इसका खुलासा भी मैंने ही किया है। चलिए मैं अब लेट हो रहा हूँ, फिर मिलते हैं। नमस्कार। नमस्ते। मिसेज रश्मि तिवारी। हाँ बोल रही हूँ। मैं माधवेंद्र बोल रहा हूँ। क्या कमाल का खेल खेला है आप दोनों ने। क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? इस बकवास की सच्चाई तो समझाना चाहता हूँ मैं आपको, और मेरा ख्याल है कि फोन पर लंबी बात करना ठीक नहीं होगा। कल सुबह लोटस गार्डन में आप आ जाइए, सामने बैठ करके बात कर लेते हैं। आइए नेहा जी, बैठिए। बताइए किस लिए मिलना चाहते थे आप? आपको देखकर ये कोई नहीं सोच सकता कि आप इस कदर शातिर हो सकती हैं। क्या क्या कह रहे हैं आप? अब तक आपने जिस बात को छुपा रखा है अब वो बात मेरे सामने खुल चुकी है। जिस दिन शांतनु घोषाल की मौत हुई थी उस दिन मैंने यही सोचा कि वो एक मर्डर नहीं बल्कि प्लान था, और उस प्लान में कोई और था जो आपके साथ शामिल था, जिसके साथ आप मिलकर के शांतनु घोषाल को रास्ते से हटा दें। और कल आप दोनों को देख करके पूरी बात समझ में आ गई। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अगर आप उसी वक्त रमाकांत तिवारी से शादी कर लेती तो आप पर कोई भी शक कर सकता था, लेकिन आपने
जोसेफ का दामन थाम लिया ताकि आप पर कोई शक न कर सके, और फिर आप दोनों मिलकर के जोसेफ को भी रास्ते से हटा दिया ताकि आपको जहां पहुंचना है रमाकांत के घर आप पहुंच जाओ। राइट? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। पहले पति की मौत तेरे से गिर गया, दूसरा पति रोड पर कुचला गया। वाह क्या कहानी। और नेहा जी आपको पता है अगर ये कहानी पुलिस तक पहुंच गई ना तो बात बहुत दूर तक जाएगी। अब आप सच्चाई बता ही दीजिए कि आपने ही शांतनु घोषाल का मर्डर किया था। नहीं नहीं मैंने नहीं मारा था, ये काम रमाकांत का था। सेम स्लीपर पहनकर वो टेरेस पर गया था और उसने शांतनु को टेरेस से धक्का दिया था। गुड, अब तो रमाकांत तिवारी से बात करने में बहुत मजा आएगा। वैसे एक बात पता है नेहा जी, इस केस में मैंने भी बहुत मेहनत की है, उस कमाई में मेरा हक भी तो बनता है। हा? मैं चलती हूं। कहां चली गई थी तुम? जब देखो शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, घर में मिट्टी कर बैठा करो। रश्मि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? हाँ तुमने माधवेंद्र से क्या कहा? क्या? कि मैंने शांतनु को टेरेस से धक्का दिया था। हाँ? और वो सेम स्लीपर मैं पहन कर गई थी टेरेस पर। क्या हो गया तुम्हें? मैं ऐसा क्यों कहने लगा? वो माधवेंद्र मुझे ये सब कहकर ब्लैकमेल कर रहा है। उसकी ये मजाक? वो मेरी इज्जत लूटना चाहे। क्या कह रही हो तुम रश्मि? कहाँ है वो इस वक्त? कहाँ हो? बात खुल चुकी है वकील साहब, और हक मेरा भी तो बनता है। तुम मेरी बीवी को ब्लैकमेल कर रहा है ना? इधर ही रुक, हिलना नहीं यहां से। हे क्या कर रहा हूं? शांत रमाकांत, रमाकांत तुम ब्लैकमेल कर रहा कमीने, छोड़ूंगा नहीं तुझे। एक मरेगा और दूसरा जाएगा जेल। रमाकांत तू पागल हो गया क्या? मेरे लिए तो रास्ता साफ है, ऊब गई थी इसकी वकालत की तैयारियों से। रमाकांत तू पागल हो गया क्या? हेलो पुलिस स्टेशन, लेके जाओ इसे। कोर्ट से आने के बाद अपनी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे, फिर माधवेंद्र घर आया और पता नहीं किस बात पर वो माधवेंद्र इन्हें ब्लैकमेल करने लगा। इन्होंने जैसे ही माधवेंद्र को देखा उसे यहां से चले जाने के लिए कहा, और पता नहीं कैसे इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया, और फिर माधवेंद्र ने इससे इनकी रिवॉल्वर छीनी और इन पर गोली चला दी। उसे मेरी आंखों के सामने मेरे पति को मार डाला। Thank you.
महीनों से मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है, मैं चल फिर भी नहीं सकता, मैं बचूंगा भी या नहीं? तुम जीकर भी क्या करोगे? ठीक से प्यार करना भी तो नहीं आता। अच्छा मुझे भी बताओ ना, ये कौन सी मेडिसिन है और किस काम आती है? तुम नहीं समझोगी, ये दवाइयां भी ना बड़ी खतरनाक होती हैं। जैसे कि ये दवा अगर किसी मरीज को दिया जाए तो इसके लिए ये दवा का काम करती है, लेकिन अगर यही किसी स्वस्थ इंसान को दी जाए तो उसके लिए ये स्लो पॉइजन बन जाती है। अगर किसी को लगातार दिया जाए तो उसे कोई नहीं बचा सकता। लीजिए। अगर ये ऐसा नहीं कर रही तो यही दवा क्यों पिला रही हूँ? डॉक्टर ने कहा है कि ये दवाई धीरे धीरे असर करती है, पी लीजिए, पीजिए दवाई। तुम यहाँ? जमानत पर छूटा हूँ। तुम्हारे नए पति चीमन भाई कहाँ है? मेरे पुराने क्लाइंट हैं, उन्हीं से मिलने आया। वो घर पर नहीं है। वो घर पे नहीं? वो तो कभी घर से बाहर जाते नहीं, कहीं तुमने उन्हें भी तो ठिकाने नहीं लगा दिए? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं चीमन भाई से मिलने आया हूँ और उनसे मिलकर ही जाऊंगा। तुम नहीं जा सकते, रुको। कोई तुम्हें समझे या ना समझे, लेकिन मैं तो तुम्हें समझ ही चुका हूं। तुमने इन्हें भी ठिकाने लगाने का इंतजाम कर ही लिया था। नहीं, रुको, छोड़ो, नो, नो। हेलो, पुलिस स्टेशन? बताओ, बताओ क्यों क्यों तुमने ऐसा किसके कहने पे किया? बताओ। क्योंकि यही अच्छा लगता है मुझे, नहीं रह सकती ज्यादा वक्त तक एक ही आदमी के साथ, कूप जाती हूँ मैं। और तलाक का मतलब सारी जायदाद से हाथ धो बैठूं और खुद रास्ते पर आ जाऊं। नहीं, इसलिए मैंने तलाक की नौबत ही नहीं आनी थी। अब तक कितने लोगों से शादी की है तुमने? कितने लोगों को मारा है? शांतनु घोषाल से पहले भी किसी को मारा है? मारा है ना, अपने पहले पति को। मेरी शादी बचपन में गांव में हो गई थी, उसके साथ भी कुछ वक्त रहने के बाद मुझे समझ में आने लगा मेरे सपने ये पूरे नहीं कर सकता। तो आखिरकार मैंने एक दिन अपने पति को मार दिया। मेरा पति शांतनु के घर ड्राइवर था, मैं भी उसके घर काम करती थी। उसकी नजर थी मुझ पर, मैं जानती थी कि वो मुझे पसंद करता है। उनकी उम्र मुझसे ज्यादा थी, फिर भी मैंने उनसे शादी कर ली। और फिर तुमने उन्हें भी मार दिया। उन्हें तुमने क्यों मारा? तो और क्या करती मैं? पति और घर को लेकर मेरे कई सारे सपने थे, बड़ी बड़ी उम्मीदें थी मेरी, जो सिर्फ और सिर्फ पैसों से पूरी हो सकती थी। तलाक लेकर मैं वो सारी दौलत से हाथ नहीं धोना चाहती थी। अरे पीर की नजर में एक पति ऐसा होना चाहिए जो भरपूर प्यार करे। मेरे कानों में सिर्फ प्यार ही प्यार गूंजता था, लेकिन शांतनु घोषाल नहीं समझ पाया इस बात को। और एक दिन मैंने प्लान किया, शांतनु घोषाल को रास्ते से हटा दिया। और उसके बाद भी तुम एक एक करके शादियां करती रही और उन्हें मौत के घाट उतारती रही। तो क्या करती मैं और क्या करती? ये सारे पति, शांतनु घोषाल, रफा खान, ये जोसेफ तिवारी, ये सब कोई मेरे लायक था ही नहीं। मैं तंग आ गई थी इन लोगों के तौर तरीकों से। शादी के तो सब अच्छा था, शुरू शुरू में तो रिश्ते में बड़ी गर्मी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ
इन लोगों ने ये भी महसूस करना बंद कर दिया कि घर पर इनका कोई इंतजार भी करता है। नहीं समझ पाए मेरे प्यार को, कोई भी नहीं समझ पाया मेरे प्यार को। और मुझे तो ये लगता है ना, मुझे ये लगता है कि एक इंसान के साथ सारी जिंदगी नहीं बिताई जा सकती। और मुझे किसी भी कीमत पर ये समझौता नहीं मंजूर, बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब किसी और के साथ जिंदगी गुजारने की तुम्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सारी जिंदगी तुम्हें जेल में जो गुजारनी है। हमारे समाज में इस तरह की घटनाओं का होना हैरानी की बात है कि एक औरत सिर्फ बदलाव के लिए पहले शादी करे और फिर अपने ही पति की हत्या कर दे। बहुत शातिर थी नेहा। हैरान करने वाली बात यह है कि जिनसे उसकी शादी हुई उन लोगों ने भी आंख मूंद कर नेहा पर भरोसा कर लिया। नेहा के बारे में कुछ भी जानने की उन्होंने कोशिश नहीं की। अगर वो लोग पता करने की कोशिश करते तो शायद उनके साथ वो नहीं होता जो हुआ। अकेलेपन की वजह से हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं होती जा रही है, इसलिए आप भी जरा नजर रखिए कि हमारे आसपास कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है ना जो हमारे समाज के लिए घातक हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।